नमस्कार आप सभी लोगों को। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है कैलेंडर। हम लोग कैलेंडर पढ़ भी रहे हैं और हमने इस चैनल पर 3 वीडियो कैलेंडर से संबंधित बनाकर हमने डाल दिए हैं और ये हमारा चौथा वीडियो होगा। तो ये कैलेंडर का चौथा लेक्चर होगा। तो इसमें हम आपको बताएंगे कैलेंडर के कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं, जैसे कि जो मंथ में पूछते हैं या महीनों से संबंधित सवाल होते हैं। तो आज हम आप लोगों को महीनों से संबंधित कुछ प्रश्न बोलेंगे और बताएंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, तो महीनों से संबंधित प्रश्न ऐसे आते हैं जैसे अगर 1 जनवरी को 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार का दिन है, 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार का दिन है, तो बताइए 1 फरवरी 2021 को कौन सा दिन आएगा। अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है तो बताइए 1 फरवरी 2021 को कौन सा दिन आएगा। थोड़ा हल्का चल रहा है, हल्का चल रहा है। तो 1 जनवरी 2021 से 1 फरवरी 2021 को जब हम पहुंचेंगे तो हमें ना यहाँ से यहाँ पहुंचना पड़ेगा। पहले जब यहाँ से मुझे यहाँ पहुंचना पड़ेगा 1 जनवरी 2021 से 1 फरवरी 2021, जनवरी से फरवरी जब हम पहुंचते हैं तो जनवरी में होता है 31 दिन। ठीक है, जनवरी से जनवरी में होता है 31 दिन होता है। तो 1 जनवरी 2021 से जब हमें फरवरी 2021 में पहुंचना है तो जनवरी में 1 तारीख हो चुका है, 30 दिन और लेंगे तो 30 दिन जब और लेंगे तो जनवरी हो जाएगा पूरा का पूरा 31 दिन का। जनवरी पूरा का पूरा 31 दिन का हो जाएगा, इसका मतलब जनवरी हो गया समाप्त। अब आएगा फरवरी, जब फरवरी आएगा तो केवल फरवरी में हमें लेना है 1 दिन, तो मैं ले लिया 1 दिन और 30 से 31 दिन। और मैं सीधे सीधे भी बता सकता था 1 जनवरी से 1 फरवरी में के बीच 31 दिन का समय होता है, ये भी आप जान लीजिए। और अगर 31 दिन है तो उसमें कितने सप्ताह हैं और कितने सप्ताह नहीं है, यानी कि विषम दिनों की संख्या, उसको निकालते हैं 7 से भाग देकर। जब भाग देते हैं 4 बार जाता है, 7 चौक 28, और 3 बार शेषफल बच जाता है, 3 दिन शेष बच जाता है। जो शेषफल बचता है वही हमारा विषम दिन कहलाता है, ये हमारा विषम दिन। तो अगर हमें शुक्रवार से 4 सप्ताह बाद मैं जाऊंगा, 4 सप्ताह बाद फिर से शुक्रवार आएगा और उसमें 3 दिन और 4 सप्ताह 3 दिन आएगा। इसमें अगर मैं इसमें भाग करूं तो इसमें 4 सप्ताह प्लस 3 दिन, तो शुक्रवार से 4 सप्ताह बाद फिर से शुक्रवार आ जाता है और उसके बाद 3 दिन अगर मैं और जोड़ दूं तो शुक्रवार में जब आप 3 दिन और जोड़ देंगे तो भैया आ जाएगा सोमवार का दिन। क्या आ जाता है? सोमवार का दिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपको देते हैं और बताइएगा कि उसमें कैसे प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैं आपको दे रहा हूं 1 दिसंबर 2024 को, 1 दिसंबर 2024 को बृहस्पतिवार का दिन, 1 दिसंबर 2024 को बृहस्पतिवार का दिन है, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 2024 को कौन सा दिन आएगा। इसको अगर निकालना होगा तो देखिए कैसे किया जाएगा। 1 दिसंबर से आपको कोई पीछे आना है 1 नवंबर 2024, क्योंकि सन वही है तो हमें पीछे आना है, बैक होना है। अगर बैक होना है तो आप क्या करेंगे, माइनस होंगे। 1 दिसंबर से अगर मैं 1 दिन माइनस कर दूं तो दिसंबर हो गया, दिसंबर का दिन हो गया समाप्त। अब दिसंबर के पहले क्या आता है, नवंबर आता है। नवंबर में 1 नवंबर पे पहुंचना है
नवंबर होता है 30 दिन का, तो आप 29 दिन और ले लीजिए, 29 दिन और ले लीजिए और आप पहुंच जाएंगे 1 नवंबर, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर 1 दिन और 29 दिन मिला के 30 दिन हो जा रहा है। तो अगर 30 दिन हो जा रहा है, इसमें 7 से भाग करेंगे तो 4 सप्ताह होगा, जो भागफल होता है वो सप्ताह होता है, जो शेषफल होता है वो हमारा विषम दिनों की संख्या होता है। 7 चौक 28, 2 शेषफल बचा, यानी कि 2 दिन शेषफल बच गया है। तो देखिए बृहस्पतिवार से अगर मैं 2 दिन पीछे है, मैं पीछे आ रहा हूं तो जोड़ नहीं सकता मैं, बल्कि घटाना होगा मुझे, क्योंकि दिसंबर से नवंबर बैक होता है, पिछले महीने में हमें आना है, इसीलिए बृहस्पतिवार से पिछले महीने में आना है। तो 4 बृहस्पतिवार से 4 सप्ताह पहले अगर मैं पता करूं तो फिर से बृहस्पतिवार आएगा और 2 दिन और मैं माइनस करूंगा बृहस्पतिवार में। जब 2 दिन और माइनस मैं करूंगा तो आ जाएगा कौन सा दिन, मंगलवार आ जाएगा। कौन सा दिन आएगा, मंगलवार दिन आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से देखिए महीनों में जंप किया जाता है कि नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से नवंबर, सवाल इस तरह से पूछता है और हम डेट को निकाल लेते हैं कौन सा दिन था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। चलिए और क्वेश्चन आपको बताते हैं कि इस तरह से भी प्रश्न आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए परसों रविवार का दिन है, ठीक है, परसों रविवार का दिन है, तो बताइए कल कौन सा दिन था, कल कौन सा दिन था, बीता हुआ कल, बीते हुए कल में कौन सा दिन था। ठीक है, और ये आने वाला परसों, आने वाला परसों, आने वाला परसों अगर रविवार है तो बीतने वाला जो कल है, जो बीता हुआ कल है वो कौन सा दिन था। अगर परसों रविवार, सोचिएगा अगर परसों रविवार है तो कल शनिवार होगा और आज, आज हो जाएगा शुक्रवार। अगर आज शुक्रवार है तो पीछे क्या था, बृहस्पतिवार था, तो बीता हुआ कल कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो कैलेंडर के इसमें जितने सवाल हमने बताए, अगर इन सवालों को, इस वीडियो को, 4 वीडियो हमने बनाया है, चारों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो कैलेंडर के हर सवाल आप सॉल्व कर ले जाएंगे और मुझे लगता है कि कैलेंडर का कोई भी सवाल आपसे बच नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप इन चारों वीडियो को देख कर पूरा कैलेंडर का हर एक तरह का सवाल मैंने बता दिया है और आप उसमें जाकर हर एक सवाल को देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो पाए। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसमें कमेंट करिए तो हम उसके डाउट से अलग से कोई एक वीडियो बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता तो उसी वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि बहुत सारी चीजें उसमें जो बताई गई है, जो आवश्यक है इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, वो आपको आ जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं। प्रश्न बताते हैं आपको कि अगर मान लीजिए 14 फरवरी को, 14 फरवरी को चौदह फरवरी 2024 को शुक्रवार का दिन था, 14 फरवरी 2024 को शुक्रवार का दिन था, तो आप लोग बताएंगे 14 फरवरी 2023 को कौन सा दिन था। बीते हुए 2023 साल में, 2023 सन 2023 में 14 फरवरी को कौन सा दिन था। तो मैं देख रहा हूँ 14 फरवरी से 14 फरवरी यानी कि एक साल पीछे, 2024 से 2023 पूछ रहा है, एक साल पीछे पूछ रहा है, ठीक है। और हमने देखा कि 14 फरवरी है, 29 फरवरी अभी नहीं आया, जब 29 फरवरी आ जाएगा तब लीप ईयर होगा,
हमें यहाँ लीप ईयर से मतलब नहीं होगा, यहाँ इसलिए मैं प्रश्न बता रहा हूँ कि ताकि लीप ईयर का फर्क कब देखा जाता है कब नहीं देखा जाता है ये आपको पता चल जाए। 2024 आप देखेंगे लीप ईयर है, लेकिन जब फरवरी 29 दिन बीत जाता है तब लीप ईयर का मायने रखता है। तो यहाँ पर फरवरी तो 14 फरवरी है, ठीक है ना, तो अभी 29 फरवरी आया नहीं है तो लीप ईयर नहीं होगा, हम इसे साधारण वर्ष के रूप में जानेंगे। जब तक कि 29 फरवरी ना बीत जाए तब तक हम उसे लीप ईयर के रूप में नहीं जानते हैं, तब तक हम उसे साधारण वर्ष के रूप में जानते हैं। तो 14 फरवरी 2024 से 14 फरवरी 2023 को पूछ रहा है कि कौन सा दिन था, यानी कि एक साल पीछे पूछ रहा है। तो भैया हमने बताया कि साधारण वर्ष में 365 दिन में जब आप 7 से भाग करेंगे तो 52 सप्ताह होता है और एक दिन केवल शेषफल बचता है। एक दिन विषम आता है, जब एक दिन केवल विषम आएगा, एक दिन पीछे आप जाएंगे, तो शुक्रवार में से एक दिन जब आप पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा, ठीक है ना। तो शुक्रवार में से जब आप एक दिन माइनस करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिए लीप वर्ष का कब मायने रखता है कब मायने नहीं रखता है इसका भी आपको पता चल गया। चलिए लीप वर्ष का कभी कभी आपको और भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इस वजह से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ इस तरह से प्रश्न लेकर, ताकि आपको लीप वर्ष से संबंधित कहीं भी समस्या न हो। अगर ये पता चल जाए कि 28 फरवरी 2024 को 28 फरवरी 2024 को सोमवार का दिन था, तो आपको बताना है 28 फरवरी 2025 को कौन सा दिन आएगा। तो 28 फरवरी 2024 से हमें पहुंचना है 28 फरवरी 2025। इस तरह के प्रश्न अगर सॉल्व करने हैं तो क्या करने पड़ेंगे आपको, 28 फरवरी 2024 को सोमवार है तो 28 फरवरी 2025 को कौन सा दिन आएगा। 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आएगा 2024 में, यानी कि लीप ईयर आ गया। और जब लीप ईयर आ गया तो भैया विषम दिनों की संख्या उस साल में 2 दिन हो जाता है, ठीक है। तो 28 फरवरी 2024 से 28 फरवरी 2025 के बीच विषम दिनों की संख्या आएगा 2 दिन, और इसमें पूरे एक साल में दिनों की संख्या आएगा 366 दिन। तो इस 366 दिन में अगर आप 7 से भाग करते हैं तो 52 सप्ताह और 2 विषम दिन आएगा, तो 2 विषम दिन आएगा, यानी कि 2 दिन और आगे आपको जाना होगा। तो सोमवार में जब आप 2 दिन और जोड़ देंगे तो इसमें आ जाएगा बुधवार। तो हमको ये पता चल जाता है कि 28 फरवरी 2024 को अगर सोमवार है तो 28 फरवरी 2025 को बुधवार हो जाएगा। इस तरह से हम लीप वर्ष का पता कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी समस्या होता है, अब आपको क्या करना चाहिए, इन चारों वीडियो को देखने के बाद कैलेंडर का कोई भी सवाल, चाहे जिस बुक से अगर आप लगाएं, तो आपको कोई भी सवाल छूटने ना पाए, ठीक है। अगर कोई छूट जाता है तो उसे फिर से आप देखें तो आपको आ जाएगा। और बार बार वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर कोई सवाल समझ में आ जाए, और समझने के बाद जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप प्रश्नों को हल करेंगे, उतने ही आपको सवाल को हल करने में कम समय लगेगा, और आप जल्दी से जल्दी जो है पेपर में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है समय पर कर लेंगे, ठीक है। कल एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि कल 25 मई है, और कल जो है उत्तर प्रदेश में सातवां चरण लोकसभा का चुनाव है, और आप लोग उसमें हिस्सेदारी ले, बढ़ चढ़ कर जो है वोट करें, मतदान करें। अपने घर में जितने भी सदस्य हैं सबको जो है मतदान करवाएं, सबसे मतदान करवाएं। अपने घर के आसपास जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे भी आप जरूर मतदान करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।